हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी में एक छोटे से टॉपिक की। और जो टॉपिक है एम्प्लॉयर। तो बच्चों, हम एम्प्लॉयर को देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि सर हमारी जो एंटिटी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी या स्टेट गवर्नमेंट की थी। अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की थी, फिर हमें देखना पड़ेगा क्या सर उन्होंने किसी पर्सन को, किसी को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल पर्सन को अपॉइंट किया था या नहीं अपॉइंट किया था, नॉट अपॉइंटेड। अगर बच्चों किसी ने भी, हाँ जी, अगर किसी ने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वाली एंटिटी ने किसी को अपॉइंट किया था, तो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द एम्प्लॉयर। आप सर इस बात को समझे कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई साहब, ही इज लाइबल टू पे ग्रेचुटी। अगर नहीं किया था, यानी अगर ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं किया था, तो सर हम उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी आती है, हम उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को ही एम्प्लॉयर मान लेंगे और उसके जो मिनिस्टर होंगे, हेड होंगे, वो ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक जल्दी से एक बात देखो बेटा, हमारी कंट्री में कार्यक्रम कैसे होता है। सबसे ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट के नीचे आते हैं पीएम। पीएम काम करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आगे इनके बच्चों 5 डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वालों के। तो अगर डिपार्टमेंट के हेड कोई है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो वो एम्प्लॉयर मान ले जाएंगे। अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो हेड होंगे, उन्हीं को हम, मिनिस्ट्री को ही हम रिस्पॉन्सिबल मान लेंगे, एम्प्लॉयर मान लेंगे। जो दूसरा केस बनता है बच्चों, वो हम बनाएंगे लोकल अथॉरिटी का केस। लोकल अथॉरिटी क्या होता है सर? जैसे कि आप देखते हैं आपके आसपास जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, फॉर एग्जाम्पल मैं फरीदाबाद में हूँ, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद इज अ लोकल अथॉरिटी। या फिर आप दिल्ली में हैं, तो DDA, NDMC, दीज आर लोकल अथॉरिटीज। अब लोकल अथॉरिटी के केस में भी सर सेम सिचुएशन है। क्या उन्होंने किसी पर्सन को अपॉइंट किया या किसी पर्सन को उन्होंने अपॉइंट नहीं किया? अगर सर किसी पर्सन को उन्होंने अपॉइंट कर लिया, तो वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, दैट पर्सन। अगर नहीं किया, तो सर उस लोकल अथॉरिटी का जो मेन ऑफिसर है, उसे हम CEO बुलाने वाले हैं, ही विल बी दी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो ग्रेचुटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद बच्चों, में एक और केस बना लेते हैं छोटा सा, जिसको हम बोलेंगे अदर्स। हाँ जी, क्या बोलने वाले हैं? अदर्स। तो अदर केसेस में हु विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर? सर, द पर्सन हु इज हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल। द पर्सन हु इज हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल। एक बात बच्चों आपने और याद रखनी है कि इन वीडियोस के साथ, ये तो हो गई सर कॉन्सेप्ट वीडियोस, ये सिर्फ आपको छोटी छोटी बातें समझा रही हैं। सर इन वीडियोस के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपने उनका आंसर कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन बैंक से हमें दो चीज़ों का आइडिया लगना चाहिए सर, ए टाइप ऑफ क्वेश्चन, और सर बहुत चांसेस होते हैं कि वही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीट भी हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों जो हमें इससे पता चलेगी, वो होगी प्रेजेंटेशन, क्योंकि लॉ में कई बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है किसमें? प्रेजेंटेशन में। और सर साथ ही साथ एक बात मैं और बता दूं, इन्हीं वीडियोस के साथ बच्चों मैं आपके लिए एक सुपर रिविजनरी वीडियो भी बनाऊंगा। सुपर रिविजनरी वीडियो में क्या होगा सर? सुपर रिविजनरी वीडियो में आप अपना सारा का सारा चैप्टर चुटकियों में रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज देखते रहें ये सारी वीडियोस। अब बच्चों जल्दी से जरा पिछली वीडियो का और इस वीडियो की मैं आपको रिवीजन करा दूं। सर हर बार एम्प्लॉयर क्या करता है? अपने एम्प्लॉय को अपॉन लीविंग द जॉब सर गिफ्ट देता है, और उस गिफ्ट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेचुटी बोलते हैं। बहुत सिंपल, ग्रेचुटी का मैंने आपको मतलब भी बताया था सर, ये कौन से वर्ड से निकला है? ग्रेटिट्यूड वर्ड से निकला है। और ये जो लिविंग है सर, ये कितने तरीके से हो सकती है? हमने ये भी डिस्कस किया था, हो सकता है एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, या फिर वो परमानेंट डिसेबल हो जाए, या फिर उसकी रिटायरमेंट हो जाए, या फिर सर सुपर एनुएशन आ जाए। ये बच्चों मैं आपको एक तरह से रिवीजन ही करा रहा हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है जी। सुपर इन, आप ध्यान से देखें कि परमानेंट डिसेबलमेंट और डेथ के केस में आपका 5 ईयर्स वाला एक प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। सर ये जो लीविंग वाली बात थी, ये एम्प्लॉय लीव कर जाए ऑर्गेनाइजेशन को तो गिफ्ट मिलेगा, लीव कब कर जाए? एटलीस्ट 5 साल काम करके। तो एलिजिबल एम्प्लॉय अगर बनना चाहता है, तो एटलीस्ट कितने साल काम करे सर?
5 साल एलिजिबल एम्प्लॉय अगर बनेगा तो उसको कम से कम कितने साल काम करना पड़ेगा, 5 ईयर्स। लेकिन 5 ईयर्स की कुछ एक्सेप्शन है, इन दोनों केस में उसे 5 ईयर्स काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि भाई ग्रेचुटी पे किसको करनी है, ग्रेचुटी पेमेंट किसको जाएगी बच्चों, या तो एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली को। तो अगर फैमिली की भी डेफिनेशन देखें तो एम्प्लॉय खुद भी फैमिली की डेफिनेशन में फॉल करता था, ठीक है। अब सर फैमिली के केस में जब एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है तो कौन कौन आएगा? सर वैसे तो हमने देखा था कि नॉमिनी देखना पड़ेगा कि नॉमिनी है या नॉमिनी नहीं है। अगर नॉमिनी है तो सर नॉमिनी को जाएगा, और नॉमिनी भी सिर्फ फैमिली मेंबर ही हो सकता है, पे टू नॉमिनी। और अगर नॉमिनी नहीं है तो हम किसको पे करेंगे? लीगल हेयर को, राइट? उसमें बच्चों दो तीन बातें थी कि नॉमिनी और लीगल हेयर मेजर हैं या फिर माइनर हैं। अगर बच्चों ये लोग माइनर थे, ध्यान से, अगर ये लोग माइनर थे तो सर हमने एक टर्म डिपॉजिट बनवाना था, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने एक टर्म डिपॉजिट बनवाना था नेशनलाइज बैंक के साथ, जो जनरली कौन सा होता है, SBI। शाबाश। अगर बच्चों ये मेजर थे तो हम इन्हीं को पे कर देंगे, कोई दूर दूर तक दिक्कत ही नहीं थी। हमने फिर फैमिली का मीनिंग भी देखा था सर, वो उसी वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे दो तरीके से फैमिली का मीनिंग दे रखा है, मेल एम्प्लॉई है या फीमेल एम्प्लॉई है, तो आप एक बार प्लीज उस मीनिंग को जरूर देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद बच्चों आज की वीडियो में हमने देखा एम्प्लॉयर का मीनिंग क्या होता है। एम्प्लॉयर में बच्चों ने देखा कि 3 केस हो सकते हैं, CGSG है, लोकल अथॉरिटी है या अदर्स है। CGSG ने अपॉइंट कर रखा है तो दैट पर्सन नॉट अपॉइंटेड, तो मिनिस्ट्री। लोकल अथॉरिटी अपॉइंट कर रखा है तो दैट पर्सन नॉट अपॉइंटेड, तो CEO। अदर के केस में सर द पर्सन हु इज हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल, हाँ जी, द पर्सन हु इज हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, उसी को हम क्या मान लेंगे, अफेयर्स ऑफ द एंटिटी और द ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हम क्या मान लेंगे, एम्प्लॉयर, राइट? अब बच्चों जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी का, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। आप लोग बहुत ध्यान से देखें हमने ग्रेचुटी के बारे में क्या क्या पढ़ने की कोशिश करी। सबसे पहले हमने ग्रेचुटी का मीनिंग देखा, जनरल मीनिंग। फिर हमने देखा ग्रेचुटी कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। किसको पे करेगा? एम्प्लॉय को। कौन से एम्प्लॉय को? एलिजिबल एम्प्लॉय को। हमने वो केसेस देखे जब एम्प्लॉय लीव करेगा, उसके 4-5 केसेस बनाए हमने। सर एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी तो किसको पे होगा, हमने ये देखा। एम्प्लॉयर कौन होता है, हमने ये देखा। अब हम देखने जा रहे हैं सर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। बच्चों कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी में सबसे पहले आप ये सोचो ग्रेचुटी दी क्यों जा रही थी, क्योंकि वो बहुत टाइम से एम्प्लॉय बहुत लॉयल एम्प्लॉय था। लॉयल इन द सेंस सर उसने काफी टाइम है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। दिस शुड बी द बेस ऑफ गिविंग द ग्रेचुटी, दिस शुड बी द बेस ऑफ कैलकुलेटिंग द ग्रेचुटी। बेस से मेरा मतलब है कि सर इसी के बेस पे कि वो कितना लॉयल था, मतलब जोक्स अपार्ट, इसी के बेस पे कि वो किसने कितने टाइम हमारे साथ काम किया, ग्रेचुटी दी जानी चाहिए। फेयर तो यही होगा कि हम ये देखें कि उसने हमारा कितना साथ दिया, कितने साल तक हमारे साथ काम किया, उसी के बेस पे बच्चों उसको क्या देने वाले हैं, ग्रेचुटी। तो मैं एक बेस ये लेना चाहूंगा कि नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड, कितने साल उसने हमारे साथ काम किया। अब सर कितने साल काम किया, और मैं अगर इसको बहुत ध्यान से देखूं तो भाई कुछ ना कुछ मुझे मॉनेटरी बेस भी लेना पड़ेगा, यानी मनी को भी बीच में लाना पड़ेगा, तो मुझे उसकी सैलरी भी चेक करनी पड़ेगी। मैं अभी वो वेरिएबल्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिन पे एक पर्सन को दी हुई ग्रेचुटी डिपेंड करेगी। बच्चों सबसे पहले मैं नंबर ऑफ ईयर सर्व को उठा लेता हूँ। नंबर ऑफ ईयर सर्व सर हम जो चेक करेंगे वो होने चाहिए नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हाँ जी, क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, तभी बात बनेगी। अब ये नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस क्या होता है? सर सिंपल सी बात है, हमें फ्रैक्शंस को इग्नोर करना है। सर सपोज 10 मंथ, सपोज 27 ईयर्स 10 मंथ्स, ओके। तो सर ये हो जाएंगे हमारे 27 ईयर्स कंप्लीटेड ईयर। हाँ जी, 27 ईयर्स कंप्लीटेड ईयर। फ्रैक्शंस को हमने क्या करना है, इग्नोर। अब सर हमने कंप्लीटेड ईयर्स तो निकालने सीख लिए, लेकिन जो ग्रेचुटी के लॉ के लिए यूज होंगे वो होंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। मेरे साथ बच्चों, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ, हाँ जी, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स।
अब इसको समझना है, अभी हमने देखा नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ग्रेचुटी के पर्पस के लिए हम लोगों ने जो नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं वो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। यानी अगर 27 साल 10 महीने हैं तो सर ये हो जाएगा हमारा 28 साल, 27 साल 6 महीने हैं तो सर ये 27 साल ही रहेगा, लेकिन अगर 27 साल 6 महीने 1 दिन है तो सर ये हमारा हो जाएगा 28 साल। जैसे ही हमारा सर नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर और पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स जाएगा, सर हम उसे नेक्स्ट ईयर काउंट कर लेंगे। अच्छा ये 27 साल 4 महीने हैं तो क्या होगा सर, सिर्फ और सिर्फ 27 साल। अब बच्चों कंप्लीटेड ईयर के बारे में या फिर ईयर नंबर जो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में एक बात और याद रखनी है, दिस पीरियड शुड बी कॉन्टिन्यूस। याद है जब हमने बोला था कि एटलीस्ट 5 साल काम किया हो, 5 ईयर्स काम किया हो, तो सर 5 ईयर्स भी कैसे होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस 5 ईयर्स, तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज ये बात नहीं बन पाएगी।